आज राखी सावंत के जो आरोपी हैं, राखी सावंत ने जिस पर आरोप लगाया आदिल दुरानी को मैसूर पुलिस लेकर जा रही है मैसूर, जहां उन पर 376 का मामला दर्ज कराया गया है। आदिल टेक्निकली जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, लेकिन राखी सावंत पर उनके वकीलों ने, जिनके आदिल के वकीलों ने गंभीर आरोप लगाया कोर्ट के बाहर, कहा कि राखी सावंत गिड़गड़ाती थी आदिल से मिलने के लिए। राखी क्या है ये, गिड़गड़ाती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे। क्या है फिर, सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है कि इनके वकील जो है आथर रोड जेल में, उनका कोई ऐसा नेहा नीरज और क्या नाम है जिगर, ये लोग नाम अलग अलग लेके मुझे फोन करते थे कि अरे आप तो वाइफ हो, ठीक है आपने तो केस किया तो ठीक है, बट आप मिलने नहीं आई। मैंने कहा कोर्ट कचहरी तो मैं जानती नहीं हूं कुछ, मुझे क्या मालूम कि मिलने जाना पड़ता है, बट मुझे नहीं पता, मुझे लगा अगर मैंने केस किया है तो मुझे मिलने जाना है या नहीं, क्योंकि मुझे मेरे एडवोकेट को पूछना पड़ेगा ना कि मुझे जाना है कि नहीं। नहीं नहीं, आपको जाना है, आपको बुलाया है, आप कपड़े लेकर आइए, आप टिफिन लेकर आइए, आप खाना लेकर आइए। मैंने कहा एज अ बिंग वाइफ यस मैं आ सकती हूँ, बट मैंने पहले बोला कि मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, वो तो उनको बात करनी है, उनको कुछ कहना है, वो मतलब बहुत सारी बात, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो आप जाके मिली उनसे? नहीं, मैं आथर रोड जेल नहीं गई। आप ओशिवारा पुलिस स्टेशन? मैं नहीं जाना चाह रही थी। उनके जो ड्राइवर है सलमान, उन्होंने बार बार मुझे कॉल किया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, आपने भी सुना अभी, उन्होंने बोला कि भाभी आप एक बार आके मिल लो, वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बात करना चाह रहे हैं, तो बार बार उनके बोले मिलने। हाँ मैं क्या हुआ? आपने सेटलमेंट बोला या उसने सेटलमेंट बोला? उन्होंने बोला कि मैं करना चाहता हूँ सेटलमेंट। तो यानी ये जो आरोप लगाया जा रहा है कोर्ट के बाहर उनके वकीलों के द्वारा, ये गलत आरोप है आपके मुताबिक, और आप सेटलमेंट के लिए नहीं गई, उसने आपको बुलाया? उन्होंने बुलाया मुझे 2-3 बार, और रोज स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, रोज पलटी। मतलब कितनी बार मिली राखी आप? मैं दो या तीन बार मिली हूँ, और मुझे बोला कि आप मैडम के पास जाओ, मैं तो अंदर हूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा, मैडम के पास, मुझे तो कुछ लॉ पता नहीं है ना, तो उन्होंने बोला मैडम के पास जाओ, बोलो आदिल को मिलना है। तो मैंने बोला मैं क्यों बोलूं? और ये मैसेजेस कौन पहुंचाता था आपके पास कि राखी? सलमान, उनका ड्राइवर, उनका ड्राइवर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि भाई ने बुलाया है, कि भाई ने, आदिल भाई ने बुलाया, आप एक बार मिल लो, वो जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, क्या आप एडवोकेट से पूछो। आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह खुश हैं? फिर जवाब चाहिए मुझे। नहीं हूं खुश। क्या वजह? पहले दिन जब हमारी कंप्लेंट हुई थी, जब इनको अरेस्ट नहीं किया गया, पूरा दिन इनके पास फोन था, क्योंकि सारी मीडिया बाहर भी थी, हम ऊपर नीचे यू नो कंप्लेंट करने में सारी चीजें लगी थी, तो ये मुझे बार बार कॉल कर रहे थे अंदर आओ। मैं 4 बार अंदर गई हूं, मत करो केस। मैं बोली क्यों ना करूं, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रही थी, पैर पकड़ रही थी, मेरा घर मत तोड़ो, वो लड़की को छोड़ो, मैं तुम्हें अपना लूंगी, तुमने जो भी कुछ किया, तुमने मेरी मां मर गई, तुमने वो जो पैसे मां के इलाज के लिए दिए गए थे। नाखुश क्यों हैं आप मुझे ये बताइए? नाखुश इसलिए हूं कि पहले दिन जब वो अरेस्ट हुए आयो राठौड़ के द्वारा, तो उस टाइम पे उनके 2 आईफोन थे वहां पे, वो आईफोन उनको कस्टडी में लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था? क्योंकि वो अरेस्ट हुए हैं और हमने कंप्लेंट करी है। उस मोबाइल में क्या था ऐसा? उस मोबाइल में मेरे हस्बैंड ने, मेरे सुहागरात के, मेरे पर्सनल, मेरे नहाते हुए, मेरे ऐसे गंदे वीडियो है, मेरे ही नहीं और भी अन्य लड़कियों के, जो 376 का जो आरोपी जो ये लगाए हैं लड़की, थोड़ी 376 जो मैसूर में लड़कियों ने लगाया है, वो भी सच है, वो ही। तो आप इसलिए नाखुश है, इसलिए नाखुश है कि उसका मोबाइल नहीं रखा गया, जो कि एक अहम एविडेंस है, जो कि एक अहम एविडेंस के सामने रखा जा सकता था, उसमें से काफी कुछ खुलासे होते थे आपके मुताबिक। गायब हो गया है ये फोन, है ना, गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया, किसने गायब किया, क्यों गायब किया? तो मैं पुलिस से रियली नाराज हूं कि आप चाहते हैं तो उसको 2 फटके लगा के, या कैसे भी आप पूछ सकते थे कि फोन का है, कुछ भी कर, 4 दिन दिए गए थे। तो राखी इसलिए नाखुश है, राखी का साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि केस रजिस्टर करने से पहले लगातार राखी बोल रही थी कि मेरे गलत पिक्चर्स लिए गए, मेरे गलत वीडियोस लिए गए, और इस मोबाइल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पुलिस एविडेंस की तरीके से यूज कर सकती थी, जो कि पुलिस ने नहीं किया। अब पुलिस ये कह रही है कि उनके पास वो मोबाइल फोन है ही नहीं, उन्होंने वो मोबाइल फोन लिया नहीं। अब राखी का आरोप क्या है? मुझे एंड तक, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे, पूरा दिन रात के 12-1 बजे तक उन्होंने फोन किया है अपने फोनों से।
आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड ले सकते हैं। और वो फोन वहीं पे था। मैंने मैडम को और सबको पूछा तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे कि कहाँ है फोन। मैंने फोन कहाँ है, मेन एविडेंस वो है, कल बेल मिल जाएगी, छूट जाएंगे तो फोन में से वो सब डिलीट कर देंगे, मतलब हमारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। अगर ये खुद नहीं करेंगे, ये किसी को भेजेंगे इंटरनेशनली तरीके से, यू नो, गल्फ कंट्री यहाँ वहां से वीडियो वायरल होंगे। बहुत गंभीर आरोप है आप जो लगा रही हैं, और ये एक आपके लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के साथ भी खिलवाड़ है जो आदिल के संपर्क में थी। भाई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसे वीडियो है भाई, मैं सिर्फ आपको एक्शन ही बता सकता। भाई पहले ऐसे नीचे वीडियो लिया है, फिर ऐसे ऊपर लिया। ठीक है, हम समझ सकते हैं, दिस इज वेरी बैड भाई। ये पुलिस को और उनके आला अधिकारी को अभी समझना होगा कि ये जो मोबाइल फोन है वो कितनी जल्द से जल्द वो अपने हिरासत में ले, ताकि राखी के जो वीडियोज और जो फोटो राखी के मुताबिक कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, बड़े से बड़े पुलिस, मुंबई पुलिस, मैसूर पुलिस को मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले फोन हाथ में लो, पहले फोन हाथ में लो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी इसी फोन में है। थैंक यू वेरी मच राखी, थैंक यू।